महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर से पूर्व सीट पर लखन घनघोरिया की बड़ी जीत हुई है, पूर्व मंत्री हैं, और इस जीत पर सबसे पहले तो आपको लखन जी बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन साथ ही ये है कि 8 में से सिर्फ एक सीट ही आप लोग जीत पाए हैं। लोकतंत्र में जनादेश को सबको स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन जब चुनाव पार्टियों की बजाय सरकार का हस्तक्षेप ज़्यादा हो तो कहीं ना कहीं चुनाव प्रभावित होते हैं, लेकिन हम लोग तो जनादेश को स्वीकार करते हैं। हम अपने उन तमाम कार्यकर्ताओं को जिन जीवटता के साथ इस चुनाव को खुद लखन घनघोरिया बन के लड़ा है, उनको ये जीत समर्पित करते हैं। अपने क्षेत्र की उस देवतुल्य जनता को जिनने वास्तव में लखन घनघोरिया को अपने भाई और बेटे के रूप में आशीर्वाद ऐसे दिया जैसे पूरे चुनौती के दौर में चट्टान की तरह खड़ी हो, उनको ये जीत समर्पित करता हूँ और आने वाले समय पे बेहतर से बेहतर हो सके ये कोशिश करूँगा जी। और आपने यहाँ पर बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन महाकौशल जो कि कमलनाथ जी का गढ़ भी 2018 के तौर पे उभर कर आया था, 2013 की स्थितियाँ दिख रही हैं लगभग कि उलट फेर भरे नतीजे आए। 2008, 2013, 2018, 2014 चारों चुनाव हमने लड़े और जीवटता कूट कूट के भरी है, क्योंकि हम एक पवित्र विचारधारा जिसने 137 साल देश के रचनात्मक विकास के साथ साथ देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी हो, जिनने सब कुछ किया हो, जब वो अंग्रेजों से नहीं डरे थे अपने लक्ष्य के लिए, तो हम ऐसे दौर में किसी से नहीं डरते, फिर चुनौती स्वीकार करते। इन नतीजों की वजह क्या आपको समझ में आ रही है, क्या कोई लहर थी यहाँ पर? स्वाभाविक, हमने पहले बताया कि जब पार्टियाँ अपनी ढाल बना के सरकार का उपयोग करें तो चुनाव के नतीजे विपरीत होंगे। इशारा आप कर रहे हैं, कुछ स्पष्ट अगर बता पाए कि आखिर क्या वजह है? सब देख रहे हैं और सब जान रहे हैं, बहुत साफ है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की लखन घनघोरिया से, जो कि जबलपुर की पूर्व सीट पर बड़े अंतर से चुनाव जीत कर आए हैं। महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर की इकलौती सीट है जहां पर कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई है, और कह रहे हैं परोक्ष तौर पर कि कहीं जहां पर सरकार का दबाव हो या राजनीतिक दल बीजेपी ने जिस तरह से काम किया है उसका एक फ़ायदा जो है वो बीजेपी को मिला है, लेकिन वो कह रहे हैं कि महाकौशल में जबलपुर में कमबैक कांग्रेस पार्टी ज़रूर करेगी, लेकिन इतना साफ है कि अब अगले 5 साल तक लखन घनघोरिया को और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में विपक्ष में बैठना ही होगा। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24।